टाइटल। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। मोदी सरकार देश के 4 सरकारी बैंकों में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। एक सरकारी सूत्र ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को यह जानकारी दी है। अब जानते हैं कि कौन से वो 4 सरकारी बैंक हैं जिनमें सरकार कुछ हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। सरकारी सूत्र ने रॉयटर्स को बताया है कि अगले कुछ महीनों में वित्त मंत्रालय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक में हिस्सेदारी घटाने के लिए सरकार की मंजूरी मांग सकती है। फिलहाल किस बैंक में सरकार की कितनी हिस्सेदारी है ये जान लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक सितंबर के आखिरी तक भारत सरकार के पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 93% से ज़्यादा, इंडियन ओवरसीज बैंक में 96.4%, यूको बैंक में 95.4% और पंजाब एंड सिंध बैंक में 98.3% की हिस्सेदारी है। रॉयटर्स की खबर बताती है कि सरकार ये हिस्सेदारी बेचने के लिए ओपन मार्केट में अपना OFS लॉन्च करेगी। OFS का मतलब होता है ओपन फॉर सेल। ये लिस्टेड कंपनियों को पैसे मार्केट से जुटाने का सुरक्षित रास्ता माना जाता है। इसके तहत शेयरों की बिक्री के लिए एक मिनिमम प्राइस तय किया जाता है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा कि इन बैंकों की बिक्री कब और कितनी हिस्सेदारी होगी ये बाजार की स्थितियों के आधार पर तय किया जाएगा। इस बारे में वित्त मंत्रालय की तरफ से फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है। इससे पहले भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पैसे का इंतजाम करने के लिए QIP का रास्ता चुना था। इससे सरकारी बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी कम हो गई है। पंजाब नेशनल बैंक ने इसी साल सितंबर में QIP के जरिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाए थे, जबकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अक्टूबर में 3,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। QIP माने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाती है और भविष्य में उसे कंपनी का विस्तार करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है तो कई कंपनियां QIP का रास्ता इख्तियार करती हैं। इसमें रिटेल निवेशक निवेश नहीं कर सकते हैं। सिर्फ सरकारी वित्तीय संस्थान, कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां और विदेशी संस्थागत निवेशक जैसे लोग ही इसमें हिस्सेदारी खरीदने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब इस बात की पड़ताल करते हैं कि जिन कुछ बैंकों में सरकार हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है उन बैंकों की माली हालत कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सितंबर 2024 को जो खत्म हुई तिमाही थी उसमें मुनाफा 51% बढ़ गया है। इस दौरान बैंक का मुनाफा बढ़कर 913 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में बैंक ने 605 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। बिजनेस न्यूज वेबसाइट लाइव मिंट की एक रिपोर्ट बताती है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान बैंक की कुल इनकम बढ़कर 9,849 करोड़ रुपए हो गई है। पिछले साल इस दौरान बैंक की टोटल इनकम 8,412 करोड़ रुपए थी। इतना ही नहीं, सेंट्रल बैंक ने ब्याज से भी खूब कमाई की है। जुलाई सितंबर तिमाही में इस बैंक की शुद्ध आय ब्याज से आय बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 के 3,028 करोड़ रुपए से 3,410 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। वहीं सरकारी क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक को भी सितंबर 2024 की जो तिमाही थी उसमें नेट प्रॉफिट 24% बढ़कर 777 करोड़ रुपए हो गया। इससे पिछले वित्त वर्ष यानी 2023-24 की दूसरी तिमाही में बैंक ने 625 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया था। यूको बैंक ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसका शुद्ध लाभ साल दर साल आधार पर लगभग 50% बढ़कर करीबन 603 करोड़ रुपए हो गया। इस दौरान बैंक की शुद्ध ब्याज आय करीबन 2300 करोड़ रुपए रही। ये रकम पिछले साल की इसी दौरान के 1916 करोड़ रुपए 55 लाख के मुकाबले 20% ज्यादा है। वहीं पब्लिक सेक्टर के पंजाब एंड सिंध बैंक का सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट 26% बढ़कर 240 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले इसी तिमाही में बैंक ने 189 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। अब सवाल ये कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि जमकर मुनाफा कूटने वाले इन सरकारी बैंकों में उसे अपना हिस्सा बेचना पड़ रहा है। रॉयटर्स की खबर में बताया गया है कि केंद्र सरकार मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI द्वारा तय किए गए पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों का पालन करने के लिए अपनी माइनॉरिटी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। दरअसल सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को पब्लिक होल्डिंग नॉर्म्स का पालन करने के लिए अगस्त 2026 तक की मोहलत दी जा चुकी है। इसलिए सरकार चाहती है कि इस डेडलाइन से पहले ही इनका पालन पूरी तरीके से हो जाए। हालांकि रॉयटर्स की इस खबर में सरकारी सूत्रों ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया कि इस समय सीमा के भीतर सरकार SEBI के पब्लिक होल्डिंग नियमों का पालन कर पाएगी या नहीं, या आगे भी SEBI से समय सीमा बढ़ाने की मांग करेगी या नहीं। बहरहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। कैसे लगी मेरी जानकारी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। जाते जाते एक जरूरी सूचना, द लल्लन टॉप का सालाना अड्डा लौट आया है। जमेगा 22, 23 और 24 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। 3 दिनों के लिए बनिए अड्डे का हिस्सा सिर्फ 499 रुपये में। रजिस्ट्रेशन के लिए lallantop.com पर दिए बैनर पर क्लिक कीजिए या फिर यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कीजिए। शुक्रिया। 499 रुपये में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है,
एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है, लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहां गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह, यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी OTT पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है, और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर, और जो मुन्ना भैया बचे वो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन एक और, नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए, 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ, फटाक से जाइए thelallantop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में, लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।